हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज आपकी दोस्त नेहा फिर से आई है रीजनिंग के टॉपिक के साथ, ब्लड रिलेशन। ये टॉपिक हम प्रीवियस पार्ट में स्टार्ट कर चुके थे, इसका एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन के तीन टाइप्स बनते हैं, जिसमें से एक टाइप पजल फॉर्म की हमने प्रीवियस पार्ट में कम्प्लीट की थी। आप में से जिसने भी प्रीवियस पार्ट नहीं देखा ब्लड रिलेशन का, प्लीज पहले वो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी टाइप नंबर टू के साथ, कॉर्डेट रिलेशनशिप। कॉर्डेट रिलेशनशिप गाइस, इसमें फर्दर थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब टाइप नहीं कह सकते, क्वेश्चंस के फॉर्मेट चेंज कर देते हैं तीन तरीके से। अब वो तीनों तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, आइए हम देखते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट फॉर्मेट किस तरीके की बनती है। देखो, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, पी हैशटैग क्यू मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, पी स्टार क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू एन इन एन हैशटैग ए डॉलर बी स्टार डी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में गाइस क्या करना है, पहले जो लास्ट में आपको डिटेल मतलब जो सीक्वेंस दी गई है उसको उतार लो। क्या है, एन हैशटैग बी सॉरी ए डॉलर बी स्टार डी। ओके, अब देखो गाइस, जो आपको गिवन है इन्फॉर्मेशन वो आपको पेपर में दी गई होगी, वो घर से याद करके नहीं जानी है। अब जैसे कि इन सिंबल का क्या क्या रोल है, जैसे हैशटैग है उसका क्या मतलब है, या डॉलर का क्या मतलब है, या स्टार का क्या मतलब है, ठीक है। तो अब इसको क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करते हैं। ए हैशटैग एन हैशटैग ए का क्या मतलब है, पहले क्वेश्चन में देखो पी हैशटैग क्यू का क्या मतलब था। उसका मतलब था कि पी मदर है क्यू की, तो यहाँ पे एन मदर है ए की, तो ए की मदर है एन। ओके, नेक्स्ट देखो डॉलर वाले स्टेटमेंट का क्या था, कि पी डॉलर क्यू का क्या था, पी इज फादर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, बी स्टार डी, स्टार वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ की बने, पी स्टार क्यू का मतलब था पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे बी इज सिस्टर ऑफ डी, यानी बी सिस्टर है डी की। हमें डी का जेंडर नहीं दे रखा है तो उसको भी यहाँ ऐसे ही रखेंगे। अब हम देंगे अपने क्वेश्चन का आंसर। देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू एन, यानी डी का क्या रिश्ता है एन से, डी का क्या रिश्ता है एन से। ध्यान से देखो गाइस, अब डी क्या है एन का, ये इसके दादा लगे, दादी लगी ना ये एन, तो ये क्या हुआ, या तो ये ग्रैंड डॉटर होगा या फिर ये ग्रैंड सन होगा। अब हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है गाइस, ऑप्शन में दे रखा है ए नेफ्यू, बी ग्रैंड सन, डी ग्रैंड डॉटर, डी डाटा इन एडिक्वेट। देखो गाइस, अब दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास, ग्रैंड सन का भी और ग्रैंड डॉटर का भी। अगर इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होता तो आंसर हम वो मार्क कर देते, लेकिन दोनों गिवन है तो दोनों को प्रायोरिटीज में से कोई भी चीज लेकर हम नहीं चल सकते जब तक हमें जेंडर क्वेश्चन में नहीं बताया है। तो इसका आंसर जाएगा डाटा इन एडिक्वेट, तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो गाइज, आपको क्या दे रखा है, पी माइनस क्यू मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, P into Q means P is father of Q and P plus Q means P is daughter of Q. Now if M minus N into T plus Z, then which of the following is not true? Guys, देखो क्वेश्चन वही है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज की गई है। पहले हमें वो इक्वेशन उतार लेनी है जिसके बेसिस पर हमें आंसर देना है। क्या है, M minus N into T plus Z. अब क्या करना है, इसका फैमिली ट्री बना लेना है किस हिसाब से, जैसे हमें कॉर्डेड फॉर्म में हमें स्टेटमेंट्स दी गई है। पी एन माइनस एम माइनस एन का क्या बनेगा, जो पी माइनस क्यू का बन रहा है, पी माइनस क्यू का क्या बन रहा है, पी मदर है क्यू की, तो यहाँ एम मदर है एन की, एम मदर है एन की। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एन इंटू टी, तो पी इंटू क्यू का क्या था, पी फादर थे क्यू के, तो यहाँ एन फादर है टी के, एन फादर है टी के। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, P प्लस जेड, तो P प्लस क्यू क्या था, P इज डॉटर ऑफ Q, तो यहाँ T है डॉटर ऑफ Z, T है डॉटर ऑफ Z।
अब ये डॉटर ऑफ जेड कब बन सकती है? जब यहाँ पे जेड इसकी मदर हो, क्योंकि फादर तो ऑलरेडी एन है। हमें चारों के जेंडर पता है। अब देखो हमसे स्टेटमेंट्स क्या क्या दे रखी है। टी इज एन्स डॉटर, क्या एन की बेटी है टी? हाँ बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पूछा कौन से ट्रू नहीं है। स्टेटमेंट बी देखो, एन इज वाइफ ऑफ जेड, क्या एन पत्नी है जेड की? नहीं, अरे जेड है पत्नी एन की, ठीक है। तो ये रिवर्स दे रखी है, इसका आंसर टू ही जाएगा, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। बाकी दो और मैच कर लेते हैं। एम इज मदर इन लॉ ऑफ जेड, एम सास है किसकी? जेड की। हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट नंबर फोर देखो, टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एम, टी जो है पोती है एम की। देखो एम की पोती है टी, ठीक है। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन भी करने आ गए हैं। गाइस क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप बहुत इजी टॉपिक है, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बनते जरूर है, लेकिन तीनों टाइप बहुत इजी फॉर्म होती है। चलो अब थर्ड टाइप देखते हैं। गाइस देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है ऐसे ही, ठीक है, सबका रिलेशन है। क्वेश्चन में पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एस इज मदर ऑफ टी, ठीक है। अब जो हमें कुछ नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन में टी की मदर एस बन रही है। अब देखो सारे बनाने लगेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे केस में ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है गाइस, जो हमसे पूछा गया है पहले उसको ध्यान दो। क्या पूछा गया है? एस इज मदर ऑफ टी, यानी एस का रिलेशन बताना है ना। तो एस क्या है, फीमेल है या मेल है, पहले ये चेक कर लेना है हमें, जिसका रिलेशन हमें बताना है। तो एस इज मदर ऑफ टी मीन्स जो एस है वो मम्मी है टी की, यानी एस जो है फीमेल है। पहले उसको मार्क करके अलग से रख लो कि एस जो है फीमेल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के हिसाब से पहले एस की ही आइडेंटिटी निकाल लो कि किस केस में वो फीमेल बन रही है और किस केस में मेल बन रही है। क्योंकि जिस केस में जिस ऑप्शन में वो फीमेल बन रही है, सिर्फ वही हमें देखने, मेल वाले नहीं देखने, हटा देंगे हम, एलिमिनेट कर देंगे, इससे हमारा क्वेश्चन फास्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में देखो गाइस, एस इंटू एम, एस इंटू एम पी इंटू क्यू का मतलब क्या था? पी वाइफ थी क्यू की, यानी एस इंटू एम का मतलब हो जाएगा एस वाइफ है एम की। तो यानी फर्स्ट केस तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट केस चेक करना पड़ेगा। सेकंड देखो गाइस, सेकंड है एस इंटू एम, ये भी चेक करना पड़ेगा। थर्ड और फोर्थ में देखो, एम इंटू एस है, तो एम इंटू एस का मतलब क्या हो जाएगा कि एम वाइफ है एस की, तो यानी एस क्या हो जाएगा, हस्बैंड यानी मेल। तो सी और डी ऑप्शन तो गाइस हमारे हो गए हैं एलिमिनेट। अब क्या चेक करना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये बेवकूफी प्लीज मत करना कि आप दोनों ऑप्शंस को चेक करके देख लो, कोई एक ऑप्शन चेक करके देख लो, अगर आपका आंसर आता है तो उसको मार्क कर दो, और नहीं आता है तो जो ऑप्शन आपने चेक नहीं किया उसको मार्क कर दो। हम करेंगे चेक ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। आओ देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था एस इंटू एम डिवाइड बाय एच माइनस टी। S इंटू एम का मतलब क्या था कि S वाइफ है Q की, यानी S वाइफ है M की, P वाइफ थी ना Q की, तो यहाँ S वाइफ है M की। ना M डिवाइडेड बाय H, तो P डिवाइडेड बाय Q का क्या मतलब था, P फादर थे Q के, तो यहाँ M फादर है H के, यानी H इसका बेटा है या बेटी है, कुछ भी हो सकता है। ना नेक्स्ट इज H माइनस T, तो P माइनस Q की स्टेटमेंट थी कि P सिस्टर है Q की, यानी यहाँ H सिस्टर है टी की। अब टी का जेंडर हमें नहीं पता है तो उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। अब गाइस देखो, अब हमसे क्या पूछा था कि एस मदर है टी की। अब टी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें उससे क्या मतलब है, लेकिन इसकी मम्मी तो एस ही रहेगी ना। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है गाइस, उसी ने हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और सेकेंड थर्ड फोर्थ गलत होंगे। तो इस तरीके से हम अपने तीनों टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप में। गाइस आई नो कि एक एक क्वेश्चन से परफेक्शन नहीं आता है, ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बताए हैं, आपको छोटी सी ट्रिक्स और हिंट्स दी है कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अगर आपको परफेक्ट बनना है रीजनिंग में या इस टॉपिक में, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी गाइज। बाकी मैंने साथ साथ सोचा है कि मैं हर टॉपिक की मिक्स्ड क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें रेंडम सारे टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि मान लो मैंने सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज बनाई है, मतलब वीडियो बनाई है, तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट के सारे टॉपिक के मतलब रेंडम क्वेश्चंस होंगे, ताकि उसमें हम सारी ट्रिक्स इकट्ठे यूज कर सके। तो आई होप गाइज आप लोगों को आज का बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसका ही फर्दर टाइप देखने के लिए या फर्दर टॉपिक्स के हिंट्स और कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।